जब भी तुम्हें कोई परिवर्तन के सूत्र बताएगा, भाई बहुत लोगों ने सिद्धार्थ की तरह अपना घर छोड़ा, लेकिन सब बुद्ध थोड़ी बने। क्यों? कहानी को ध्यान से सुनना, कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार दो सन्यासी, जब भी तुम्हें कोई परिवर्तन के सूत्र बताएगा, थ्योरेटिकली तुमसे बातें की जा रही, कोई फर्क नहीं है, पंडित मौलाना पुरोहित पादरी, ये तुमसे थ्योरेटिकली कोई चीज बता रहे हैं, ये तुम्हें बाहर से धार्मिक बना रहे हैं, बाहर से चंदन लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, ये सब बाहर से, लेकिन कुछ लोग जब आते हैं ना तो वो तुम्हें अंदर से बदलने की कोशिश करते हैं। भाई बहुत लोगों ने सिद्धार्थ की तरह अपना घर छोड़ा, लेकिन सब बुद्ध थोड़ी बने। क्यों? सब बुद्ध क्यों नहीं बने? अंदर से चेंज नहीं है। यही बात मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि बाहर कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। एक बार दो सन्यासी शाम के वक्त आश्रम वापस लौट रहे थे, तो शहर और आश्रम के बीच में एक नदी थी। कहानी को ध्यान से सुनना, कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती। तो जब दोनों नदी में पहुंचे तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। नदी की धारा तेज थी। उस स्त्री ने उन दोनों सन्यासियों से कहा कि हमको भी नदी पार करा दीजिए। तो उसमें एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक जवान था। तो बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा तो मदद कर दूं, फिर कहा नहीं, मैं स्त्री को छू लूं तो कहीं मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। स्त्री खतरनाक तो है ही, तो उसने कहीं मैं स्त्री को छू लूं तो मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। उसने कहा नहीं नहीं यार, 30 साल से साधना कर रहे हैं, ये बवाल नहीं करना है। पानी में एंटर कर गए। जब वो बीच नदी में पहुंचा, उसने सोचा कि यार मेरे साथ एक लड़का भी है, यंग आदमी। पलट उसने देखा तो जो यंग सन्यासी था उसने स्त्री को अपने कंधे में बिठा रखा था। अब बाबा जी को तो आग लग गई शरीर। उसने स्त्री को वहीं उतार दिया नदी के किनारे। दोनों फिर आश्रम की तरफ बढ़े। तो जब आश्रम के दरवाजे में पहुंचे तो उस बुजुर्ग सन्यासी ने उस यंग सन्यासी से कहा कि गुरु जी से शिकायत करूंगा, आज तुमको निकलवा दूंगा आश्रम से। कहा क्यों? हाँ, तुमने एक लड़की को अपने कंधे बिठाया है। अरे उसने कहा गुरुजी, मैं तो नदी के किनारे उतारा, आप तो अभी भी बैठाए हो। गुरुजी मैं तो उतार आया, अब तो है ही नहीं मेरे मन में। इसलिए बाहर से कुछ छोड़ना उपलब्धि नहीं है, अंदर से।